तो मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमारे दल में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था, उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए, तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वह भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया तब केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर 1.5 साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे, तो आपने तो कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि उनको हटा दिया जाए। तभी तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार के झूठ का प्रचार ये नहीं करना चाहिए। और मित्रों, जो दूसरा प्रचार किया जा रहा है कि जनता दल यू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उदाहरण दिया जा रहा शिवसेना का, अरे शिवसेना हमारा सहयोगी दल थोड़ी था, वो तो वहां का सत्ताधारी दल था, आप तो हमारे सहयोगी दल थे, हमने सहयोगी दल रहते हुए कभी किसी पार्टी को तोड़ा नहीं। और जब वहां टूटी सरकार तो शिवसेना जो कि हमारा सहयोगी दल नहीं था, उसको वो पार्टी टूटी जो है, आप तो हमारे सहयोगी दल थे, और अगर आपको हम तोड़ भी देते मान लीजिए तो सरकार कैसे बनती? क्योंकि हम तो केवल 74 या 75 थे और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए था, तो पूरी जनता दल यू आती तभी ना कुछ हो सकता था, तो भी बहुमत नहीं होता। और देखिए बीजेपी कभी, अब बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को एक बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। और मित्रों, मैं आपको याद कराना चाहूंगा, पुराने पत्रकारों को याद होगा, 2005 नवंबर का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, समता पार्टी में 2 गुट हो गया, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ये लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम घोषित किया, वो तैयार नहीं थे। और मैंने बिना पार्टी से पूछे मैंने उनके नाम का ऐलान किया कि 2005 में नवंबर के चुनाव का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होगा, और पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। और देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है, ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150-200 पार कर जाते। अगर आपके नाम पर वोट मिला होता तो आपको केवल 43 सीट नहीं मिली होती। जब लगा कि हालात स्थिति ठीक नहीं है, तो नरेंद्र मोदी ने एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है।